हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आपका नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरी पूजा, मैं फ्रेश होके पूजा कर चुकी हूँ और अभी डॉक्टर के पास जाने वाली थी, तब से मिक्सर वाला आ गया है। अभी मिक्सर पहले बनवा देती हूँ, उसके बाद फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मिक्सर वाले आ गए हैं और मिक्सर के लिए अब डब्बा खोलें स्क्रू लगाने के लिए। मिक्सर पूरा खोल चुके हैं और स्क्रू खोज रहे हैं। स्क्रू उनको लगता है मिल नहीं रहा है कि स्क्रू मिल नहीं रहा है जो मिक्सर में बराबर फिट हो पाएगा। तो अभी वो खोज रहे हैं, अब देखो कब तक उनको मिलता है, वो कब लगाएंगे। तो मैं भी यहाँ बैठी हूँ देखने के लिए क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं प्रॉब्लम है, अपना देखती हूँ। तो फाइनली अब मिक्सर जोड़ देंगे वायर और मिक्सर बन गया है। और मिक्सर बन गया है तो देखेंगे चला के। तो फ्रेंड, मैं अभी डॉक्टर के यहाँ से आ चुकी हूँ और आने के बाद अब देख रही हूँ तो वीर ट्यूशन चला गया है और बड़ा वाला भी उस रूम में पढ़ाई पे बैठ चुका है और ये आराम कर रहे हैं। सब लोग खाना खा चुके हैं, मैं ही बाकी हूँ। अब जाती हूँ, पहले देखती हूँ घर में क्या है, मैं खा लेती हूँ उसके बाद। तो वैसे भी डॉक्टर ने बोला है कि आपको वजन नहीं उठाना है, वजन जितना हो सके आप वजन को अवॉइड करना, तो आपका जितना जल्दी हो जाएगा उतना जल्दी आप रिकवर हो जाएंगे। अभी वजन तो नहीं उठाऊंगी, भी बल्टी उल्टी है ये सब है तो मैं नहीं उठाने वाली। आ रही दूध है और केलॉग्स है, तो दूध और केलॉग्स खा लेती हूँ उसके बाद अभी आराम करूंगी। और हुआ है क्या हो रहा है बेटा, पहले टीचर को फोन करो, वीर को बोलो जल्दी बुलाने के लिए क्योंकि वीर लेट हो जा रहा है। वीर को आने में ट्यूशन, फिर वीर को क्रिकेट जाना है तो लेट हो जाता है। जल्दी से टीचर को फोन करो, बोलो वीर को। धूप तो बहुत अच्छी आई है कि धूप तो बहुत अच्छी लग रही है। अभी हम लोग तैयार हो गए हैं, तैयार होके जा रहे हैं बाहर। जरा देख रहे हैं कि वीर के पास वो इनर नहीं है तो वीर के लिए इनर ले लेंगे। और वीर सैंडल के लिए बोल रहा था तो देखते हैं अभी उसके पापा लेते हैं कि नहीं। फिर अभी तो इसी के लिए चल रहे हैं, देखते हैं। बोले कि चल रेडी हो गए, अभी हम लोग चल रहे हैं। तो हमारी तो रिक्शा चल पड़ी हुई है और रात के समय बाहर निकलने का मतलब है सिर्फ लाइट लाइट लाइट। और चारों तरफ जब लाइटिंग दुकानें लगती हैं तो कितनी सुंदर कितनी अच्छी दुकानें लगती हैं। तो अभी तक तो सब लाइटिंग लग रहा है, दिखाई दे रहा है अच्छे से। कौन सा झुमका देखो, कौन सा अच्छा लग रहा है देखो, दोनों दिखाओ। चलो ये नहीं सीधा मैडम, दोनों अच्छा लग रहा है। ए हीरो कौन लेगा, कौन सा अच्छा लग रहा है ये अपना सच बताओ। अरे नहीं सही नहीं, पापा को तो ठीक नहीं लगा। कैसा वीर, जब मैं टेस्ट करूं तो मुझे भी, मैं भी टेस्ट करती हूं। अभी मत लगा, आपका भिंडी काट के हो गया है तो जल्दी से खाना बना दोगी तो। हाँ भिंडी अब काट ली हूँ, जल्दी से रोटी भाजी बना देती हूँ आपको। भाजी और रोटी बना रही हूँ अभी मैं, जल्दी जल्दी इनको भूख लग गई यार जल्दी, तो जा रही हूँ जल्दी से भिंडी की भाजी रोटी बनाने। वीर अभी चलो फिर जल्दी निकल रही हूँ। एक मुझे प्लास्टिक दो इसमें ये सब डालने के लिए, भिंडी काटी हूँ। ठीक है, एक बैग। तो अभी सब लोग एक एक बाइट ले लेंगे भज्जी का, एक एक बाइट भज्जी का सब ले लेंगे। और वीर क्या बना रहे हो? प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट है? इतना ही हुआ है अब तक तो। कलर नहीं कर सकते हो ये सब ना, एकदम सिंपल लिखे हो ना, कलर करते तो थोड़ा अच्छा लगता। नहीं कलर पेन मतलब स्केच पेन से लिखने को नहीं अलाउ है। ठीक है, हाँ सही बोल रहे हो। इधर आएगा तो इधर भी आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे अभी कुकर में मैंने चावल रखी हूँ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो दूध है, ये है। और यहाँ पे भाजी है,
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दाल है, दाल भाजी हो गया। खाना अब बना चुकी हूँ और वीर वहाँ पे पढ़ाई कर रहा है और अभी देखती हूँ फिर क्या करना है। थोड़ा घर में झाड़ू मार लेती हूँ, झाड़ू पोछा कर लेती हूँ क्योंकि जब ये लोग आएंगे तब खाना दूंगी, तो झाड़ू पोछा कर लेती हूँ और थोड़ा थोड़ा घर को सेटल कर देती हूँ। घर थोड़ा ही ऐसा क्या बोलते हैं, वो हो गया, बिखर गया है थोड़ा, हो गया है घर में। बर्तन धोना बाकी है अभी और यहाँ पे बड़े बेटे को झाड़ू पोछा पे लगा दी हूँ। मैं फिलहाल बर्तन हटा देती हूँ कि सब जो बच गया है तो हटा देती हूँ। यहाँ पे इसको खाना हो गया आ? हाँ आज खाना थोड़ा लेट हो गया, घर में कुछ गेस्ट लोग आ गए थे, उनको भी रिक्वेस्ट किया गया खाने के लिए, लेकिन वो लोग बोले नहीं हमको बाहर जाना है, तो अचानक आ गए थे ऐसा कुछ नहीं, तो ठीक है, तो चाय पानी वगैरह उनका हो गया और मुझे है हल्का सा स्नैक वगैरह। साइड में कुछ हमारे लोग दस अभी वो गए, हमने भी खाना खाया, रात को पढ़ाई करने के लिए। और यहाँ नवाब जी सो रहे हैं आराम से लेटे हुए हैं। फ्रेंड्स हमारा खाना खाके हो गया है और बड़ा बेटा वहाँ बैठा है पढ़ने के लिए, छोटा वाला यहाँ में आराम से लेटा हुआ है, इसे नींद आ रही है, कल सुबह इसका स्कूल है जल्दी। तो अभी के लिए इतना ही, तो यदि ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।